चाय ले लो। हाँ 100 रुपया मेरे को अच्छी है, डॉलर में है, डॉलर में बिकित है, तो 100 रुपया मेरे को दे दिली बड़ी है, तोल देवी तो ज्यादा हो जाता। महंगाई डांड, आज महंगाई बहुत जाए लगी था भाई, 70 रुपये किलो हो गई। टमटम पे और बैलगाड़ी पे सड़कों पे प्रदर्शन किया करते थे, तब इनके लिए महंगाई डाइन हुआ करती थी, आज इन सरकार के लिए महंगाई इनकी भौजाई हो गई है। तो ये सरकार क्या बोलेगी, संवेदनहीन सरकार है, इसको कोई मतलब नहीं है गरीबों से, युवकों से, महिलाओं से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। एक तरफ राजद के तमाम नेता और कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, तो दूसरे तरफ राजद के कार्यकर्ता सब्जी भी बेच रहे हैं। टमटम पर सवार होकर आप देख सकते हैं राजद के कार्यकर्ता जो राजद के नेता है वो सब्जी बेच रही है। सर जब ये 10 रुपये किलो मिलता था ना, तो इनका का महंगा लगत रहे, जब ये विपक्ष में हलन, ठीक है, तो मैं देखा अभी बोहनी वाली अभी एगो, ठीक है, बोहनी हो गए, बोनी हो गए, जय हो जय हो। हाँ 100 रुपये मेरे को अच्छी है, डॉलर में है, डॉलर में बिकित है, तो 100 रुपये मेरे को दे दिली बड़ी है, तोल देवी तो ज्यादा हो जाता, देते ही खाली भाईचारा गुने। तो अब एगो चीज बताई, हाँ 10 रुपये के एगो ले मुँह देखा बिक्री, अरे बाप रे बाप, तोरे से झुक झुक जिया आए बुझाई थाई लगी थाई कि बिजनेस चलता है, यही करे पड़ता है। अब एक चीज बताइए, ये करेला जिस दिन 10 रुपये किलो मिलता था तो इस सरकार को महंगा लगता था, महंगाई डाइन खाए जाते है, सैया कमाए जाते है, महंगाई डाइन खाए जाते है, महंगाई डाइन, आज महंगाई बहुत जाए लगी था भाई, 70 रुपये किलो हो गई था। आए आज कौन अब बैठ के ताली लगा था, कौन अब प्रतिदिन पेट्रोल डीजल में वृद्धि हो रहा है, 50 पैसा, 35 पैसा, 60 पैसा, और ये क्या कह रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए वृद्धि हो रहा है। पैसा नहीं है तो प्रत्येक साल अपने पूंजीपति मित्रों का पैसा राइट ऑफ कैसे कर देते हैं भारतीय बैंक का, जिससे भारतीय बैंक का एनपीए बढ़ जाता है, लोगों पर बोझ बढ़ जाता है, लोग मरते हैं, त्राही त्राही होते हैं। सर एक एक पैसा काट कर गरीब क्या करता है, अपना टैक्स भरता है केंद्र सरकार को कि जब विपदा आएगी सरकार हमारी मदद करे, लेकिन ये क्या करते हैं अपने पूंजीपति दोस्तों का पैसा राइट ऑफ करते हैं, और जो गरीब लोग हैं वो मर रहा है, 1000 रुपया के लिए किसान फांसी लगाता है, उसके कर्ज नहीं, तो इतना महंगा सब्जी हो गया कोई खरीद के नहीं खा पा रहा है, पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ रहा है। ये कहते कोरोना है, तो जिस दिन आप सरकार में आए थे उस समय $18 प्रति बैरल हो गया था कच्चे तेल का कीमत 2015 में, तो उस समय कमा था नहीं, लगातार आप एक्साइज ड्यूटी पर लगाते जा रहे हैं और कर कोरोना है, बुर्बक समझ रहे हैं लोगों को। अगर GST में डाल दीजिए पेट्रोल और डीजल को, देख लीजिए 35 रुपया सीधे बढ़ जाएगा, बच जाएगा, दूसरा चीज़ को GST में डालिएगा लेकिन पेट्रोल और डीजल को नहीं डालिएगा, मूर्ख समझते हैं। ये 110 रुपया के तोरा चलते बिक्री हो गए, 10 रुपया तू रख ला। आप पापा 100 रुपये लेकर के कैसा लग रहा है? 100 रुपये लेकर बहुत अजीती हो रहा है, एकदम इतना खर रहा है कि बहुत क्रोध आ रहा है, प्लस मजबूरी है, पेट भरने के लिए लेना ही पड़ेगा, चाहे घर बेच दें चाहे जमीन बेच दें उसके लिए लेना ही पड़ेगा। तो आपने सुना तमाम जो राजद के कार्यकर्ता एक तरफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरे तरफ राजद के कार्यकर्ता और नेत्री सब्जी भी बेच रही हैं और बेचते नजर आ रहे हैं, और दूसरे तरफ देखिए सारिका पासवान हैं जो कि राजद नेत्री हैं, वो क्या कुछ कर रही हैं, जरा आप वो भी सुनिए। भाई जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पे है तो भाई हम तो विवश हैं, डॉलर के भाव आज हम कद्दू और करेला खरीद रहे हैं, जब UPA की सरकार थी केंद्र में और 25 पैसे और 50 पैसे के दामों में वृद्धि होती थी, तो यही लोग माथा पे सिलेंडर लेके टमटम पे और बैलगाड़ी पे सड़कों पे प्रदर्शन किया करते थे, तब इनके लिए महंगाई डाइन हुआ करती थी, आज इन सरकार के लिए महंगाई इनकी भौजाई हो गई है। सरकार नहीं देख पा रही है कि बिहार की जनता और देश की जनता बढ़ती हुई कीमतों से कितनी त्राहिमाम है, आज लोगों के पास रोजगार नहीं है, तो बताइए ये जो महंगाई चरम सीमा पे है ये तो गरीबों का कमर तोड़ रही है, और आज यही कारण है कि राष्ट्रीय जनता दल सड़कों पे उतरी है विरोध करने के लिए, हाय हाय कर रही है सरकार को कि सरकार शर्म करो, जो तुमने वादा किया था महंगाई कम करेंगे पेट्रोल कम करेंगे, क्या कम हुआ? मोदी जी कहा करते थे पेट्रोल कम हुआ, क्या हुआ? पेट्रोल कम हुआ नहीं हुआ, डीजल कम हुआ नहीं हुआ,
सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं और बढ़ गए हैं, यही कारण है कि हम सड़कों पे उतरे हैं। रुपया जो है डॉलर के मुकाबले बार बार गिरते जा रहा है, इसका मतलब है देखिए आज कच्ची तेल की कीमतें जो है विदेशों में 107 से 111 डॉलर प्रति बैरल है और यूपी की सरकार के टाइम में यही कीमत लगभग 60 से 64 रुपए हुआ डॉलर हुआ करती थी, यानी कि आधी कीमतों में आज हो गई है। बावजूद इसके आज देश में पेट्रोल और डीजल महंगा है, तो यानी कि 60% से अधिक जो टैक्स है ये गवर्नमेंट वर्तमान में वसूल रही है, जो सीधा का सीधा जनता के पेट पे जा रहा है, गरीबों के पेट पे जा रहा है। बढ़ती हुई डीजल और पेट्रोल से चीजें महंगी हो रही है, खाने पीने महंगी हो रही है, सिंचाई महंगा हो रहा है और सरकार जो है ये आंख बंद करके कान में तेल डाल करके सोई हुई है। उसे ही जगाने के लिए हम बोल रहे हैं कि ले लो कद्दू ले लो, डॉलर के भाव में कद्दू ले लो। कहां जाएगा, महंगाई इनको भौजाई लग रही है, तब तो बैठ के ऑफिस में ताली लगा रहे हैं, हंस रहे हैं। देखिए केंद्र से लेकर के बिहार तक में ये जो ठगबंधन की सरकार है ये लोगों को ठगने का ही तो काम कर रही है। ये वहाँ भी ठगे 2 करोड़ की नौकरी, 15 लाख रुपया, और यहाँ सरकार जो दोनों ठग बंधन करके बना लिए हैं 19 लाख नौकरियाँ, आज बेरोजगार सड़कों पे लाठी खा रहे हैं। तो ये सरकार क्या बोलेगी, संवेदनहीन सरकार है, इसको कोई मतलब नहीं है गरीबों से, युवकों से, महिलाओं से। आज लॉ एंड ऑर्डर देखिए बिगड़ी हुई है, महंगाई चरम सीमा पे है, तो क्या बोलेंगे। आज ये सरकार भ्रष्ट सरकार है, विफल सरकार है, तो ये अपने आप को छुपाने के लिए इस तरह से खोखले बात में बोल रही है और कुछ नहीं। अच्छा दिन तो है ही है कि पूरा का पूरा देश जो है वो सड़कों पे है, यही तो अच्छे दिन है कि बच्चे सड़कों पे हैं, महिलाओं का प्रतिदिन बलात्कार और हत्या हो रहा है, आज बेरोजगारों पे लाठी चार्ज हो रही है, तो क्या ये है स्वतंत्र भारत का अच्छा दिन। ये जनता जान रही है कि दो त्रासदी झेल रही है जनता, वो त्राहिमाम त्राहिमाम है, अच्छे दिन नहीं है। ये आजाद भारत के बाद का सबसे बुरा दिन है, इतिहास के दिनों में काले पन्ने के रूप में है ये। तो आपने सुना किस तरीके से केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे तमाम राजद के कार्यकर्ता और सब्जी बेचते नजर आ रहे टमटम पर। खैर लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉलर के भाव अच्छी है, डॉलर में है, डॉलर में बिकित है, 100 रुपया में को दे दिली बड़ी है, तोल देवी तो ज्यादा हो जाता है। महंगाई डांड, आज महंगाई भौजाई लगी था भाई, 70 रुपए किलो हो गई था। टमटम पे और बैलगाड़ी पे सड़कों पे प्रदर्शन किया करते थे, तब इनके लिए महंगाई डाइन हुआ करती थी, आज इन सरकार के लिए महंगाई इनकी भौजाई हो गई है, तो ये सरकार क्या बोलेगी। संवेदनहीन सरकार है, इसको कोई मतलब नहीं है गरीबों से, युवकों से, महिलाओं से।